कैसे मारा, क्या हो, क्या वजह से मारा, ये तो नहीं बता सकेंगे। स्त्री पुरुष का बात है कि एक पति है और सम ठाकुर है जो अपने पत्नी को चाकू से गोद के हत्या कर दी। बच्चा भी डेट किया, अभी डेट किया 3 महीने। हम तो सोचते हैं कि उसको पुलिस ने 20 वर्ष का सजा दे दे या तो फांसी का सजा दे दे। मैं दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, अगर आप सुनेंगे या फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के कठेला गांव निवासी धीरज ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद उससे भी उसका मन नहीं भरा तो 3 महीने के बेटे को चाकू मार डाला। आनन फानन में उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन पत्नी के साथ साथ बच्चे की भी मौत हो गई। बच्चे को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंचे उसके दादा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को फांसी हो जाए। अब कैसे मारा, क्या हो, क्या वजह से मारा, ये तो नहीं बता सकेंगे। स्त्री पुरुष का बात है, हम बुरा आदमी अपना घर में बरंडा पे सो गए, वो सब रूम में सोया। रूम हाँ, वो डेट कर गए। हाँ, पोस्टमार्टम हो गया, उसको जला पका करके घर जा रहा है कठियारी वाले। बच्चा, बच्चा भी डेट किया, अभी डेट किया 3 महीने। हम तो सोचते हैं कि उसको पुलिस ने 20 वर्ष का सजा दे दे या तो फांसी का सजा दे दे। कि एक पति है और सम ठाकुर है जो अपने पत्नी को चाकू से गोद के हत्या कर दी है। चाकू का 3-4 जख्म है महिला के शरीर पर और बच्चा छोटा है, लगभग लगता है कि विद इन 1 ईयर का है, वो भी घायल है और सीरियस कंडीशन में है। उसको मायागंज भेजा गया था, वहाँ से फिर पटना रेफर कर दिया गया है। महिला डेथ कर गई है और किस वजह से ये हुआ है तो इसका हम लोग जाँच कर रहे हैं। वो नशे में था और कल रात 10 बजे के करीब उसने अपनी पत्नी को चाकू मारा, उसके बाद अपने बेटे को भी चाकू मार डाला। बहरहाल पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है यह देखना शेष है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।